10 साल कम थे क्या मोदी जी के लिए? योग्यता तो तभी वो अपनी साबित कर पाएगा ना जब उसको उसको मौका दिया जाएगा। लीक जो भी हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाइए। जिसको काम ही नहीं करना वो बेरोजगार घूम रहा है। 4 साल पहले जब मैं जॉब के लिए गया था तब भी सैलरी उतनी थी। आज के दौर में बेरोजगारी ज्यादा है, लोगों को नौकरी नहीं है, जिससे पूरे हिंदुस्तान में परेशानियां बढ़ रही हैं। 5 साल में एक बार एग्जाम दिया था, कोई पेपर लीक कर दिया, एज निकल जाती है, ये पेपर लीक होता है, इसकी वजह से कितने सारे स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। वादा किए थे, वादा पर नहीं वो टिके हुए हैं। अच्छा करके काम करता है, उसके बाद लगाता है, पेपर लीक तो भी पुलिस वाले उनको भगाती हैं। क्या पकोरे क्या टलेंगे? सारा चीज जितने भी लोग पैदा हुए हैं ना, सारा 2014 की बाद ही पैदा हुए हैं, उसके बाद तो सब लोग क्या कहते हैं पत्ते लपेट के घूम रहे थे। थैंक यू। शेर से भी बढ़ के है वो। जानवर मत बनाओ। मैम जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो बच्चा कैसे एलिजिबल होगा? अब ये कह रहे हैं कि आप अच्छे भी योग्यता ही नहीं है उनको। योग्यता तो तभी वो अपनी साबित कर पाएगा ना जब उसको उसको मौका दिया जाएगा। जब उसे मौका ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे वो प्रूव कर पाएगा? बच्चे में योग्यता ही नहीं है कि पास। योग्यता है बच्चे में लेकिन प्रूव कब करेगा? वैकेंसी कितनी आई है बताओ, यूपी में कितनी वैकेंसी आई है? 5 साल में एक बार एग्जाम दिया था, कोई पेपर लीक कर दिया, टांग गया। अब एसएससी का पेपर भी लीक हो जाता है जो इंटरमीडिएट का। यही तो बात है, हम स्टूडेंट्स को देखना चाहिए कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि सब बढ़िया है, आप महिला हैं, आपको क्या बदलाव चाहिए? आपको क्या लगता है इस चुनाव में महिला के मुद्दों पे बात होती है, महिलाओं के मुद्दे पे? बस मैं तो ये मैं इस टाइम महिला या पुरुष के बारे में नहीं बोलना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट होकर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर साल वैकेंसी निकालो, भले ही तुम कम निकालो पर हर साल दो। और पेपर लीक जो भी हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाइए। आप नहीं सोचती कि अगर एक बार पेपर लीक होता है तो 5 साल बच्चा उसकी एज भी निकल जाती है। जब तक एज निकल जाती है ये पेपर लीक होता है, इसकी वजह से कितने सारे स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। वो बेचारे कर ही नहीं पाते, आगे अपीयर ही नहीं कर पाते हैं, फिर एग्जाम ही नहीं दे पाते, तब तक तो उनके सारे एफर्ट खराब हो जाते हैं। बढ़िया काम हो रहा है ये कह रहे हैं योगी सरकार और मोदी सरकार में, वो तो सबको दिख ही रहा है। सरकार में काम बढ़िया हो रहा है, स्टूडेंट के लिए तो काम तभी बढ़िया होगा ना जब स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेनिफिट होगा उस चीज का। क्या आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, पर लग तो रहा है कि कुछ असर तो पड़ेगा। लेकिन काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सब कुछ देखने के बाद भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इसमें क्या चाहिए, बदलाव या फिर दोबारा मोदी जी? हमें तो बदलाव चाहिए, मोदी जी कर दें या फिर कोई भी कर दे, बस हमें जॉब चाहिए, मोदी जी को रोजगार चाहिए। डंका बजा दिया मोदी जी ने पूरा काम विश्व में। 10 साल तो दिए थे ना मोदी जी को, जब क्यों नहीं बजाया? 10 साल कम थे क्या मोदी जी के लिए? 10 साल में काम नहीं हुआ क्या? हुआ क्या काम हुआ? मुझे नहीं लगता सर। हम ये स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स अपने लिए बात करेंगे। ये स्टूडेंट्स हैं, हम भी वो एग्जाम्स अपीयर कर रहे हैं, हम भी अभी तक ट्राई कर रहे हैं इतने सालों से, हर बार कभी तो एग्जाम लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, कभी वैकेंसीज नहीं हो जाती। कोरोना के बाद से कितने परेशान हैं सब लोग, कितने यंगस्टर्स सब परेशान हैं। कोई परेशान नहीं है, गरीब तो खुश है, अभी दुगुनी आमदनी होगी। सर खुश तो तब होंगे ना जब रोजगार होगा। अब रोजगार के लिए एग्जाम देना है, एग्जाम का कोई रिजल्ट आता ही नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि गरीबी हमने खत्म कर दी है। गरीबी खत्म कर दे, जब साथ जो यूथ है हमारा उसको रोजगार मिलेगा तभी गरीबी खत्म होगी ना सर। 2 करोड़ साल का वो नौकरी का वादा था, मिली नहीं मिली। लास्ट ईयर हमारे फॉर्म फिल कराए गए थे और अभी तक डेट अनाउंस ही नहीं की गई कि कब एग्जाम कराना है कब नहीं कराना है। मिस्टर योगी जी उत्तर प्रदेश के अभी तक कोई नाम नहीं है और अब मुझे तो लगता है ऐसा होगा कि हमारे फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएंगे। हमें नहीं चाहिए राशन, हम अपने आप से कमा लेंगे, पर तुम रोजगार तो दो। हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जब हमें रोजगार नहीं मिलेगा? हमें घर बैठे राशन दे दो बस, है ना? अरे पकौड़ा तलिए, आत्मनिर्भर बनिए, घर पे बैठे पकौड़ा तलिए, अभी तो काम है। मोदी जी कहते हैं पकौड़े की दुकान लगाइए, फुचका का दुकान लगाइए, किसी और चीज का दुकान लगाइए। हाँ वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना, वो खुद चाय बेचते थे तो उनकी तो यही थिंकिंग होगी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप एक महिला भी हैं, महिला सुरक्षा के नाम पे जैसे बोलते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सम्मान का काम किया है मोदी जी ने, महिला सुरक्षा यूपी में बहुत बड़ी है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ मैं मानती हूँ ऐसा है, गुंडा राज तो कम हुआ ही है पर रोजगार पर भी तो ध्यान देना चाहिए। तो अभी राहुल गांधी जी ने अभी अपनी न्याय यात्रा में एक गारंटी योजना निकाली है कि हम ग्रेजुएशन को 1 साल के अंदर जॉब देंगे, इसको आप कैसे देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा साल हो जाते हैं तो हर कोई तानाशाह हो जाता है, सभी को मौका मिलना चाहिए।
10 साल में क्या चेंज हो गया भाई? नोटबंदी करा लो। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आई कंप्लीटेड माय यूजी पीजी एंड माय टीचिंग डिप्लोमा आल्सो। मैं टीचर की जॉब करना चाहती हूँ, पर मेरा फॉर्म लास्ट ईयर फिल करा था मैंने, अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई। जानकारी मिलती है हमारे पास, अपनी कोई जानकारी नहीं होती। देखिए मैम, जैसे जहाँ पे पॉजिटिव होता है नेगेटिव भी वहाँ होता है, ठीक है। अगर हम नेगेटिव को देखने जाएंगे, 1-2% भी नेगेटिव देखें तो 98% पॉजिटिव को ढक दिया जाएगा। 98% पॉजिटिव देखिए। आज के दौर में बेरोजगारी ज्यादा है, लोगों को नौकरी नहीं है, जिससे पूरे हिंदुस्तान में परेशानियां बढ़ रही हैं। जब इंसान के पास नौकरी नहीं होगा तो कहाँ से वो बिजनेस करेगा? जब पैसा आएगा जब तो वो कोई काम करेगा। नौकरी के लिए दर दर जो जगह जगह लोग धक्के खा रहे हैं, नौकरियां नहीं है। कुछ लोग कह रहे नौकरी है, कहाँ नौकरी है? अभी इतना शिक्षक योजनाओं को बहाली करना था, उनको अभी तक बहाली नहीं किया गया, तो लोग कितना परेशान हो रहे हैं। ये तो लोगों की सोच है, कुछ कह रहे नहीं वो योगी ने ये कर दिया वो कर दिया। लोगों जो इतने जो शिक्षक हैं उनको आज तक नौकरियाँ मिली? आज तक नौकरियाँ मिली? क्यों नहीं मिली? कहाँ मिली? कितने लोगों को मिली जी? कितने लोगों को मिला है? आपको मिला? और बिल्कुल मिला है, हमको मिला है। मेरे हमारे आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। आप जब मेरा आया नहीं, मैं कहां से? एक बार बताओ, अगर ये आदमी नौकरी नहीं करना चाहता तो हमारी गलती है, सरकार की गलती है? पेपर दिया है, किसकी गलती है? शिक्षक दिया है, कहां शिक्षक पाली किया? एक कॉलेज के अंदर कितने लोग होते हैं? योगी ने बहुत अच्छा क्या किया जी? पेपर लीक हो जाएंगे हर बार, कहां से करेगा वो? यूपी में पिछले 7 सालों में 9 पेपर। अच्छा एक सेकंड, अब ये आपकी जॉब की बात सुनिए ना, अपनी बात सुनिए फिर आप बोलिए। अच्छा अब ये बता दिए, पेपर कौन सा लीक हुआ? लीक हुआ क्यों? लीक नहीं हुआ। पेपर कौन सा लीक हुआ आप ये बता दीजिए। शिक्षा मंत्री, पेपर लीक नहीं हुआ था? पेपर एक सेकंड, पेपर लीक कौन से सब्जेक्ट का हुआ ये बता दीजिए। कौन सा कोर्स था, किस चीज के लिए था? सीबीएसई का नहीं हुआ था? एक सेकंड बताइए, सीबीएसई का नहीं हुआ था? सीबीएसई का नहीं हुआ था? सीबीएसई का हमारे टाइम पे भी हुआ था, हमारे टाइम पे भी हुआ था। आपने कहा कैसे नहीं हुआ? कहते हैं कि एक मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार में जब आप कहते हैं कि चलो कांग्रेस निकम्मी सरकार थी, अखिलेश की निकम्मी सरकार थी, सरकार बदली, सत्ता बदली, कुछ किया नहीं। हाँ, निकम्मी का मतलब वो ये था कि कुछ किया ही नहीं उन्होंने, तो आपने भाजपा को दिया, तो भाजपा से ने क्या अच्छा किया? आप कहेंगे कि पहले भी ऐसा होता था, तो पहले भी ऐसा होता था, तो पहले से आपकी तुलना है ना? आज के टाइम पे हर कोई आप देख रहे हैं, तुलना कर रहे हैं ना? तुलना देखिए, आप कहेंगे कि वैसे तब होता था। सुनिए ठीक है, आप यूं बोलते हैं कि ठीक है एमबीए करके पीएचडी करके हर कोई चाय बजा गोलगप्पे बेच रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। क्या तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके आए थे, वादा किए थे, वादा पर नहीं वो टिके हुए हैं। अच्छा नहीं दिए? नहीं, 40 करोड़ मेरा परिवार है, वो तो कह रहे हैं ना, रोजगार कहाँ दे रहे हैं? आप उनके परिवार के नहीं हो? वो तो परिवार का तो है उनके, इसी देश में रहना है हमको भी। हाँ, तो रोजगार तो वो कह रहे हैं कि हमने रोजगार का भाई एकदम पूरा भंडारा लगा दिया है, बेरोजगार खुद घूम रहे हैं। बेरोजगार खुद घूम रहे हैं, योगी मोदी जी काम नहीं कर रहे बढ़िया? वो तो कर रहे हैं, वो तो कहाँ कह रहे हैं, तो फिर अभी कह रहे हैं रोजगार नहीं है? रोजगार सच में नहीं मिल रहा है भाई, जो पेपर लीक हुआ है उसका भी तो देख लो यार, पकौड़ा पकौड़ा वो भी लगा के दो, हम तल लेंगे। तो कहते तो है मोदी जी आत्मनिर्भर बनी है, छोड़िए डिग्री उग्री, छोड़िए जॉब वॉब। तो जो मतलब डिग्री जो इतना साल पढ़ लिख के परेशान होता है वो क्या करे फिर? बस यही ऑप्शन है फिर कि पकौड़ा तो ले राष्ट्र में। फिर आत्मनिर्भर बनिए भाई साहब, आत्मनिर्भर कैसे बनने दें तब ना बने? यहाँ आदमी इतना मेहनत करके काम करता है, उसके बाद लगाता है पेपर लीक, तो भी पुलिस वाले उनको भगाती हैं। क्या पकोड़े क्या टलेंगे, कुछ भी नहीं करने। अगर बोलेंगे आत्मनिर्भर बनो ना, तो दूसरे दिन एमसीडी वाले आ जाएंगे, पूरा ठेला ही उठा ले जाएंगे, तो उसका कौन करेगा? तो आत्मनिर्भर अगर बनना है तो उसका भी तो कुछ रास्ता निकालो ना, कि लोग परेशान, अगर सिस्टम ही परेशान करने लगेगा। क्या लगता है कि मोदी जी को दोबारा आना चाहिए, दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए? मोदी जी की वो तो देश की जनता देखेगी, आपकी जनता है देश की, आपको क्या लगता है? वो तो इलेक्शन का टाइम आएगा तो हमारे अकेले हमारे सोचने से नहीं होता। काम से खुश नहीं है, लेकिन काम से खुश नहीं है। काम हुआ ही क्या है? काम हुआ ही क्या है? अरे भाई 18 घंटा काम कर रहे हैं मोदी जी देश के लिए, रिजल्ट तो आना चाहिए ना। रिजल्ट क्या आ रहा है? डंका जो बज गया कह रहे हैं विदेशों में मोदी जी का, कहाँ बजा? मैं नहीं, कहाँ बजा? झूठ बोल रहे हैं, कहाँ बजा है, कहाँ बजे, वही तो मैं देखने चाहूँ। अरे इंडिया में कोई डंका बजा, कोई काम किए हो या जो देखने लायक हो दिखा दे। सारा चीज जितने भी लोग पैदा हुए हैं ना, सारा 2014 की बाद ही पैदा हुए हैं, उसके बाद तो सब लोग क्या कहते हैं पत्ते लपेट के घूम रहे थे। थैंक यू। मोदी जी का तो पता नहीं, काम तो बढ़िया नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मोदी जी कह रहे युवाओं के लिए, भाई हम 18 घंटा काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कहाँ है काम, दिखाइए, दिखाइए काम किधर है? काम नहीं है,
एक दिखाइए, आप दिखा दीजिए उदाहरण के तौर पर। 24 में मोदी जी को फिर चले जाना चाहिए क्या वापस? देखिए वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, हम अकेले थोड़ी डिसाइड, वो तो देंगे जिसको वही आए, जनता डिसाइड करेगी उसको। आपके हिसाब से आना चाहिए मोदी जी या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं, नहीं आना चाहिए, नया नया कोई आना चाहिए। इंसान कैसा शेर क्यों नहीं हो सकता है? शेर से भी बढ़ के है वो। जानवर मत बनाओ, जानवर मत बनाओ। नहीं मोदी जी से अच्छे काम गिनवाओ ना आप, मैं बुरे गिनवा रहा हूँ उसके, कितने तमाम बुरे काम उनके। मोदी जी से नाराज कोई नहीं है, नाराज उनके पाबंदी लगा दिया तो चीज उससे चलती है। कहाँ है रोजगार लोंडो के पास? लोंडों के पास रोजगार नहीं है, मोदी जी से नाराज नहीं है, कुछ लोगों से नाराज है। मोदी तो महान है, चमचों से परेशान है। जो चमचे हैं जो उनके नीचे हैं, जो जो अपना पेट भरते हैं, उन लोगों से परेशान है। ये बताइए, कह रहे मोदी तो महान है, चमचों से परेशान है, आपको क्या लगता है कि मोदी बेस्ट है? मोदी तो पैसे देते हैं, पास करते हैं, जो आते हैं जो खाते हैं उनकी उनकी उनसी दिक्कत है ना, मतलब बेरोजगारी है। हाँ है ना, बताओ है नहीं है क्या? आपको नहीं मालूम है? तो क्या लगता है 24 में बदलाव होना चाहिए? 24 में बदलाव, इतनी सालों से बदलाव हो नहीं रहा, क्या बदलाव करेगा वो? नहीं, 24 में, 24 के चुनाव में मोदी जी को बदलना चाहिए। देखो अगर अच्छी सरकार चलाए तो रहना चाहिए, नहीं चलाए तो बदलाव तो होनी चाहिए। आपके हिसाब से अच्छी चली है? नंबर कितना दीजिएगा 10 में से? 10 में से उसको नंबर मिलते हैं 2। पत्रकार है, एक चीज बताइए, अभी के टाइम में महंगाई सबसे पहले देखिए आप, महंगाई सबसे बड़ी बात, ठीक है, सबसे बड़ी महंगाई जो अभी देश करना है जिसको उसको मिल रहा है, जिसको काम ही नहीं करना वो बेरोजगार घूम रहा है। अब चांदनी चौक आज में जाके आया, इतने बेरोजगार है और हमको आदमियों की बहुत लेबर की हमें तो जरूरत रहती है, हम तो बोलते हैं आओ। तो आपको लगता है कि इंडिया में नौकरी है सबके पास? नौकरी है, अगर किसी को करना है तो।